आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। देश में केंद्र सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि का 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। नागरिकों की समस्याओं के शत प्रतिशत निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जीडीए बोर्ड की 121वीं बैठक अध्यक्ष मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। महायोजना के लिए जनपद के सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव। सुझाव मिलने के बाद 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर बोर्ड के बैठक में रखकर दिया जाएगा पास। रंग कर्मियों के लिए बड़े हॉल का किराया 50,000 व छोटे हॉल का किराया 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव हुआ पास। चार जून को प्रस्तावित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे की तैयारियों को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कैंट पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का एक मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रदेश स्तरीय 36वीं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता में गोरखपुर मंडल की टीम 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल प्राप्त कर बनी चैंपियन। गोरखपुर तैराकी संघ के सेक्रेटरी अंजनी मिश्रा तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने दी सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। कहा, रैली के माध्यम से लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की गई अपील। सोनबरसा के गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में सड़क सुरक्षा एवं जीवन रक्षा तथा यातायात जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर शिकायत तथा समस्या का समाधान हेतु दिए सुझाव। पूरे विश्व में मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस। MDHS डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, तंबाकू खाने से हर साल 80 लाख लोगों की होती है मौत। और खोराबार टाउनशिप में जीडीए के द्वारा मेदांता, मैक्स, अपोलो सहित अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने की जा रही है तैयारी। हॉस्पिटलों से की जा रही है बात। जीटीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी।